हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन मिर्चा अदरक का एकदम टेस्टी एंड स्वादिष्ट अचार। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले लहसुन मिर्चा अदरक को अच्छे से धो करके धूप में सुखा लिया थोड़ा सा। जब उसका पानी सूख गया तो मैंने उसे चॉपर से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने उसमें 2 स्पून हल्दी ऐड किया एंड स्वाद अनुसार नमक डाला। और इसमें मैंने 2 से 3 स्पून स्टफ़ वेज मसाला डाला, जिसको कलौंजी मसाला भी बोलते हैं। तो मैंने इसे डाला और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला और 2 से 3 नींबू का रस डाला। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अच्छे से, जब इसको आप अच्छे से एक कंटेनर में करके इसको रख दीजिए 3 से 4 दिन धूप दिखाने के बाद, ये अचार एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। फिर उसके बाद इसको खाइए, ये बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। जब एक बार बनाओगे दोस्तों ना, तो बार बार बनाओगे। इसको खाने का हमेशा मन करेगा। ये डेली आप दाल चावल के संग भी खा सकते हो, और किसी भी, जैसे सुबह आप खाना बनाए हो, आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो आप ये अचार खा सकते हो। तो आप इसे बना करके एक अच्छे से कंटेनर में करके रख दीजिए। ये 1 से 2 महीना आराम से चलता है, ये अचार ख़राब नहीं होता है और ये नुकसान भी नहीं करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।